So the numbers that you see, yeah, these numbers are not absolute. So the numbers that you see on the screen, so when it says that the sales of company A is 30, it means what? It means in the current year, Amol, in the current year, the sale of this company has increased by 30%. If the net income is 50, that means net income of this company last year was 1 crore. This year it has become 1.5 crore. Right? Do you follow me, everyone? Yeah. So these numbers are not absolute numbers. These are percentage increase over the last year. Now, देखो, अभी हमको समझ गया कि gross profit क्या है. अभी हमको समझ गया कि EBITDA क्या है. तो ये जो number आपके सामने screen पर हैं, these numbers are percentage increase over the last year. अब आपको क्या करना है? अब आपको ये number के ऊपर use करना है आपकी सबसे बड़ी power. और आपकी सबसे बड़ी power क्या है? पावर टू थिंक. उसका इस्तेमाल करके आपको ये मालूम करना है कि ये तीनों कंपनियों में से किस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है, किस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है और किस कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सबसे बड़ी, ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है. दैट इज ओवरऑल, दोनों मिला के. हाँ, दोनों मिला के तो किसकी बढ़िया है ये आपको मालूम करना है. तो ये मैं आपको नंबर एक बार वापस से दिखा देता हूँ स्क्रीन पर और यू कैन डिस्कस. सो क्या करना है आपको, आप दोनों ध्रुव और नीरज एंड अमित ना इकलिया अमित एंड अमोल, आप दोनों डिस्कस करिए और फाइंड आउट कि ये कंपनियों की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस. ये नंबर द्वारा दिखाने की जरूरत है क्या? ये आपने लिख लिए, you have copied them already. Okay, अगर नहीं किया तो आप कॉपी कर सकते हैं, जो कुछ अगर रह गया तो कॉपी कर सकते हैं. So this I'm going to show to you on the screen. So ये आपके स्क्रीन पर रहेगा आपके सामने constantly. ये जो नंबर आपने नोट किए वो नंबर के ऊपर आपको अपना थिंकिंग पावर का इस्तेमाल करना है. यू अप्लाई योर माइंड थिंक अबाउट इट एंड ये जो अंडरस्टैंडिंग आपने गेन करी है अबाउट दी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और आपको ये मालूम करना है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग विच कंपनी ऑफ दीज थ्री इज डूइंग वेल ऑपरेशनली फाइनेंशियली एंड ऑन ओवरऑल बेसिस एंड फॉर दिस पर्पज आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम ऑफ 4 minutes and 30 seconds. 4 minute 30 seconds में डिस्कस करके आपको मालूम करना है. यू टू लिस्ट डाउन द रीजन एज टू वाई. जैसे अगर आपको लगता है कंपनी ए अच्छा है या बी अच्छा है या सी अच्छा है तो यू टू ऑल्सो गिव द रीजन एज टू वाई डू थिंक. मतलब आपको क्यों ऐसा लगता है कि कंपनी ए बढ़िया है या बी बढ़िया है या सी बढ़िया है. 4 minutes and 30 seconds, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.